आज महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मुरादाबाद में कंपनी बाग में हो रहे सिंडिकेट बैंक के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। इस मौके पर मुरादाबाद के कारीगरों एक्सपोर्टर्स के बीच ऋण प्राप्त कराए जाने की सरकारी योजनाओं की मेनका गांधी ने जानकारी दी। हमारे कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी जी मुख्य अतिथि हैं। दोस्तों, इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हो रहे हैं, तो आप एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में जुड़े हैं। आज आपको यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी नजर, ये जो स्क्रीन लगा है, तीन स्क्रीन लगे हैं, आपको संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नई योजना, जिसके बारे में अभी आपको मैनेजर साहब ने अनाउंस किया कि ये योजना हम लोग इन्होंने प्रस्तावित की है, उसके माध्यम से त्वरित गति से आपको लोन मिलेगा। आपके पास जो लोन के लिए बैंकों में जाना पड़ता है, वो प्रक्रिया अब सरल होने जा रही है। आपको एक घंटे से कम समय में लोन मिलेगा, ये योजना आपके सामने लाई जा रही है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा माननीय मंत्री जी और बाद में माननीय प्रधानमंत्री। योजना को शुभारंभ किया गया। मोदी सरकार की मंत्री मंच पर विराजमान थी। एक तरफ देश में आर्थिक स्थिति का पाठ पढ़ा रही थी और लोगों को उद्योग से जोड़ने की बात कर रही थी और लोगों को रोजगार से जोड़ रही थी। ये इतनी टेक्निकल स्कीम है कि मैं वो समय रह करके आपसे बात करूंगी 10 मिनट के लिए, जब तक प्रधानमंत्री जी खुद न आ करके आपसे बात करें। लघु उद्योग भारत के इकोनॉमिक सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लघु उद्योग हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट का 45% और हमारे एक्सपोर्ट्स के 40% हिस्सा प्रदान करते हैं। लगभग 3 करोड़ लोग इन लघु उद्योगों में काम करते हैं। मुरादाबाद एक जाना माना इंडस्ट्रियल शहर है और यहाँ लघु उद्योग कई दशकों से काम कर रहे हैं। 3.5 लाख लोग मुरादाबाद के लघु उद्योग में काम करते हैं। हमारी सरकार ने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप बता सकते हैं कि मुद्रा योजना में कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को लोन मिला है? मुद्रा योजना में 1,32,000 लोगों को ये लोन मिला है मुद्रा योजना। स्टैंड अप इंडिया, MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोग्राम, ऐसे कुछ योजनाएं हैं जो पिछले 4 साल से लघु उद्योग की मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार ने योजनाओं से लघु उद्योग में काम करने वाले लोग एक्सीडेंट्स के लिए इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत मुरादाबाद को मेटल आर्टवेयर के लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए चुना है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप मेटल आर्टवेयर जो है दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे आगे बहुत है और आप लोग सालों से इसको एक्सपोर्ट करके बहुत कमा रहे हैं देश के लिए। मैं आपकी कई फैक्ट्रियों में जा चुकी हूँ यहाँ सालों में, एंड ईच टाइम बहुत ही सुंदर होता है। आपका जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक्सपोर्ट एक दफा मेला होता है, उस पर मैं, हालांकि इंडियन अलाउड नहीं है, मैं चुपचाप आती हूँ हर दफा केवल आपका सामान देखने के लिए, और हर साल और भी अच्छा होता है। तो भारत में ना तो स्किल लेबर की कमी है और ना ही नया काम करने की स्पिरिट है, परंतु नया काम शुरू करने के लिए लोगों को धन की समस्या जरूर होती है। इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार आज एक नया प्रोग्राम शुरू कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लघु उद्योगों के लिए एक नई योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 1 करोड़ रुपये तक का लोन केवल 59 मिनट्स में स्वीकार किया जाएगा। अब आप जरूर इसका आजमा लेना, इसलिए क्योंकि जब पिज्जा बेचते हैं तो कहते हैं 20 मिनट से अगर ज़्यादा मिले तो आपको मुफ्त में पिज्जा मिलेगा,
तो आप इसको आजमा करके देखिए, 59 मिनट से ज्यादा। इसके लिए आपको एक नए वेब पोर्टल www अंडी लीजिएगा, अभी लीजिए बाद में लीजिए, लेकिन ये आपके काम में आएगा, www.psblons यानी कि psblons.in59minutes.com में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और 59 मिनट्स में आपका लोन स्वीकार कर लिया जाएगा। लोन स्वीकार होने के एक हफ्ते के अंदर बैंक आपको स्वीकृत किया हुआ पैसा भी दे देगा। मैं मुरादाबाद के सभी एंटरप्रेन्योर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस नई योजना का लाभ उठाएं। मैं और ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं खुश हूँ कि मुझे बहुत सालों से हम लोग बाईपास से पीलीभीत जाते हैं, तो आज बहुत सालों के बाद मैं मुरादाबाद वापस आई हूँ और मुझे खुशी हुई कि मुझे मौका मिला। ये शहर जो ऐतिहासिक भी है, सुंदर भी है, और मैं खास करके धन्यवाद देती हूँ मेयर साहब को, जो अपने जबान के पक्के भी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी मुरादाबाद ने बहुत अच्छा काम किया है। उधर एक मासूम बच्ची पेट भरने के लिए रस्सी पर झूलकर लोगों को तमाशा दिखा रही थी। लोग तमाशा देख रहे थे और उधर से गुजरने वाले गुजर रहे थे, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं था और ना ही खासकर मंत्री जी को, जिनका ये विभाग है। एक मासूम बच्ची ने अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए खुद अपनी जिंदगी का तमाशा बना दिया था और तमाशे को लोग देख रहे थे, लेकिन मंत्री साहिबा की निगाह उस मासूम के तमाशे तक नहीं गई। रस्सी पर अपनी जान जोखिम में देखकर वे तमाशा दिखाती है और लोग तमाशा देखकर चंद पैसे उसकी गोद में डाल देते हैं। एक तरफ उद्योगपति कारीगरों के बीच सेमिनार कर रही मेनका गांधी और दूसरी तरफ गरीब मजबूर बेसहारा एक मासूम अनामिका रस्सी पर कूदकर तमाशा दिखा रही थी। इसके लिए ना ही प्रशासन की आंख खुली। जहां बाल मजदूर के बाद सरकार करती है, वहीं बाल मजदूरों का तमाशा देखकर लोगों को तरस नहीं आता और ना ही सरकार को। कब इनकी आंख खुलेगी और कब इनका दिल पसीज जाएगा और कब इस मासूम का सहारा बनेगी सरकार? अब देखना ये है हमारी खबर चलने के बाद कब सरकार की आंख खुलती है और कब इस मासूम अनामिका का सहारा बनती है सरकार। आईडी आया कर दो, आईडी मनु भाई आईडी आ गया। डॉक्टर साहब बाज हो गया, हमारी आईडी मिली आने में छोटे उद्योगों में बड़े उद्योग के लिए वो चाय भी पिला देगी और आपको 500 करोड़ रुपए भी दे देगी, चाहे जब जाना है कंपनी से जाना पड़ता है। कहाँ बाजार बनाया जाता है, एक ई बाजार के बारे में बात करते हैं, जो हम सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ई बाजार बनाया जाए। और जो मेरे अपने जैसे कि मेरे मंत्रालय में हम लोगों ने शुरू किया है महिला ई हाट, कि जो भी महिला बनाती है उस पर हम लोग लगाते हैं मुफ्त में और जो वो बेचती है। सुहेल भाई कैमरा खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब